Hi dear student, I am Rimjim Tiwari from Likhin Group, the smart choice for your future. Now today we are going to study the essential solution of physics, chapter 1, electricity, page number 42, question number 34. A hai, with the help of a circuit diagram, obtain the relation for the equivalent resistance of two resistance connected in parallel. यहाँ पे help of a diagram से हमें means की relation obtain करना है दो equivalent resistance of two resistance जो कि connected किस में है parallel में. In the circuit diagram shown below, यहाँ पे circuit diagram में जैसे ये हमें दिया हुआ है इसमें shown below total resistance calculate करना है, फिर उसके बाद current shown by the ammeter means current जो हमारा ammeter A है यहाँ पे उसमें current कितना shown हो रहा है हमें ये बताना है. तो पहले हम यहाँ पे A solve कर लेते हैं. तो A में हमें diagram बनाना है जो means कि यहाँ पे अब हमें parallel वाला एक तरीके से parallel वाला formula derive करना है. तो यहाँ पे बना लेते हैं हम parallel का. दो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे दो रेजिस्टेंस का हम बना लेंगे. फिर यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी बैटरी. ऐसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वोल्ट हो जाएगा ये. यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस. फिर ये हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल. ये इसे हम मान लेते हैं ए. ये पॉइंट हो गया बी. यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है करंट फ्लो कर रहा है. ये हम मान लेते हैं इसे आर वन. ये हो गया यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये आर टू. अब उसमें हम वी वन और वो लेते थे वी टू. इसमें हम क्या लेंगे करंट लेंगे जो हमारा मीन सेम नहीं रहता है. हम उसमें ये यहाँ पे हम मान लेते हैं ये ले लेंगे. ये हो गया हमारा I1 और ये हो गया हमारा I2. अब उसके बाद हम क्या करेंगे मीन्स ये A है. अब यहाँ पे हम I को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो जैसे I को हम कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ये लेते हैं हम. इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट. ये हम I को कैलकुलेट करने के लिए I1 प्लस I2 कर देंगे. फिर हमारा एक फॉर्मूला होता है I को निकालने का मीन्स यहाँ पे हम I फाइंड कर रहे हैं ना. तो I को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है V अपॉन R. इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड. अब हम I1 की अगर बात करें I1 निकालना हो हमें तो V अपॉन R1 होगा क्योंकि I यहाँ पे हमारा R1 के साथ में है ना. I1 हमारा R1 के साथ में तो ये थर्ड हो गया इक्वेशन. अब I2 निकालना हो तो V अपॉन R2 ये इक्वेशन फोर्थ हो गया. फिर अब हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ से हमारा क्या हो जाएगा ये जो वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है वो हम सब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में. मीन्स कि जैसे आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर दिया हुआ है तो आई की जगह पे हम क्या लिख देंगे v अपॉन आर. फिर वैसे ही I1 की जगह पे v अपॉन आर वन दिया हुआ है v अपॉन आर वन प्लस प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दिया I2 की जगह पे v अपॉन आर टू. अब इसमें से हम क्या करेंगे मीन्स R तो कॉमन ले नहीं सकते यहाँ R है यहाँ आर वन है यहाँ आर टू है तो v कॉमन लेंगे. तो v जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन आर आएगा इक्वल्स टू यहाँ पे भी v कॉमन लेंगे तो हमारा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू ये आ जाएगा. v से हमारा v कैंसिल हो गया मीन्स वन अपॉन आर इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू. ये हमें जो मीन्स एक तरीके से फॉर्मूला ही ड्राइव करना था हमने कर दिया. अब उसके बाद यहाँ पे जैसे कि b में ये क्वेश्चन हमारा b है तो इसमें b का फर्स्ट में हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे देखते हैं. यहाँ पे अब हमें दो मीन सीरीज में दिया हुआ है एक पैरेलल में है इसे मान लेते हैं ये आर वन हो गया ये आर टू हो गया ये आर थ्री हो गया. तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले इसे सीरीज को पैरेलल में चेंज कर लेंगे. फिर उसके बाद मीन्स की सीरीज को आर दोनों सीरीज को हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते तो आर इक्वल्स टू आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा. यहाँ पे जो हमने वैल्यू मानी मीन्स आर
की आर टू की वैल्यू क्या है 3 है, आर थ्री की वैल्यू क्या है 2 है, तो R क्या आ गया 5 आ गया, मीन्स 5 ओम ये हमारा R की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया पैरेलल में चेंज हो गया, ये दोनों हमारा पैरेलल में चेंज हो गया, तो अब हम क्या करेंगे पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स 1/R इक्वल्स टू, इसे मान लेते हैं ये हमारा R डैश है, 1/R1 + 1/R' ये हो जाएगा। अब उसके बाद 1/R1 की, R1 की वैल्यू क्या है 5 है, आर डैश की वैल्यू क्या है उसकी भी वैल्यू भाई 5 है, यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी मीन्स आर वन की वैल्यू क्या थी 5 है, आर डैश की भी वैल्यू हमारी क्या हो गई 5 है, हमने यहाँ पे निकाला हुआ था सीरीज के मतलब सीरीज वाला फॉर्मूला यूज़ करके। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया 1/R, अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/R इक्वल्स टू 2/5 ये हो जाएगा 2/5। अब उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 × 2 = 4, फिर 1 बचा पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया 2 × 5 = 10, मीन्स कि 1/R की वैल्यू क्या आ गई 1/2.5 ये हो गया। फिर यहाँ पे हम R को क्या लिख सकते हैं, मीन्स R हमारा हो जाएगा 2.5 ओम, मीन्स कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। फिर सेकेंड में जैसे कि कह रहा है कि कैलकुलेट शोन, मतलब कि हमें करंट को कैलकुलेट करना है जो एमीटर में दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो बी का सेकंड है हमारा उसे हम कैलकुलेट करेंगे करंट को, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है V/R, वी कितना दिया हुआ है यहाँ पे वी हमारा है 4 हमारा हो जाएगा, मीन्स कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है तो वी यहाँ पे हो जाएगा 40/ मीन्स कि यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे 4/ हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 4 वोल्ट हमें दिया हुआ है वी, तो यहाँ पे पॉइंट हटाया तो ये 40/25 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 एम्पेयर, ये हमारा आ गया। मीन्स हमें यहाँ पे आई फाइंड करना था, वी हमें 4 वोल्ट दिया था, आर हमें हमने यहाँ पे निकाला है अभी तुरंत ही कि 2.5 ओम है, तो पॉइंट हटाया तो 40 हो गया, तो मीन्स क्या बन गया वो 40/25, तो जब इसे सॉल्व करा हमने कैंसिल करके तो हमारा 1.6 एम्पेयर आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।